झारखंड के रांची में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी नाबालिग गर्ल फ्रेंड को घर से भगाकर ले जाने आया था, लेकिन साथ में उसकी मां को भी उठाकर ले गया। पुलिस ने बताया कि लड़का बिहार के नालंदा जिले के कतरी सराय थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पूरी प्लानिंग के साथ लड़की को भगाकर ले जाने के लिए आया था। वह भाड़े की कार से अपनी प्रेमिका को लेने के लिए रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र के घुटिया गांव पहुंचा था। वही लड़की के परिजनों के मुताबिक नाबालिग गर्ल फ्रेंड को कार में बैठाकर आरोपी निकलने ही वाला था कि लड़की की मां आ गई और बेटी को भगाकर ले जाने का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी चंदन ने कार ड्राइवर की मदद से प्रेमिका की मां को भी जबरन कार में बैठा लिया और दोनों को लेकर निकल गया, लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर मां को कार से उतरा दिया था। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और एसएसपी के निर्देश पर रिंग रोड पर लगे सीसीटीवी से कार का नंबर निकाला गया। इसके बाद ओरमांझी पुलिस ने रिंग रोड पर वाहनों की जांच शुरू कर दी। कुछ समय बाद पुलिस ने कार को रोककर तलाशी ली और प्रेमी जोड़ा पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस ने लड़के को पकड़कर कार जब्त कर ली है। अब लड़की के परिजनों के बयान पर आरोपी चंदन और कार ड्राइवर रंजन कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ डेस्क।